दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के मैदानी जिलों में हैं और अगर आप पर्वतीय जिलों में जा रहे हैं तो उसके लिए भी नई गाइडलाइंस है। तो उत्तराखंड के मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में जाने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। अगर आप उत्तराखंड में एक स्टेट से उत्तराखंड में आ रहे हैं, आप किसी बाहरी राज्य से, तो भी ये आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। और इसी तरीके से उत्तराखंड के मैदानी जिलों से आप पर्वतीय जिलों में जा रहे हैं तो भी ये रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। 1 जून तक सभी यात्री वाहनों का संचालन 50% क्षमता के साथ ही होगा। अंतर राज्य या अंतर जनपदीय यात्रा के बाद अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन करना जरूरी है। वाहन को निर्धारित स्टॉपेज पर ही रोका जा सकेगा। किसी यात्री में COVID-19 के लक्षण दिखने पर संबंधित वाहन चालक इसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने या फिर स्वास्थ्य केंद्र को देंगे। यात्रा के दौरान वाहन को निर्धारित स्टॉपेज पर ही रोका जाएगा। अंतर राज्य या फिर अंतर संभागीय यात्रा में वाहन चालक, परिचालक और यात्रियों को स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। बाहरी राज्यों से आने वाले सभी व्यक्ति, बस, टैक्सी के ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर को भी 72 घंटे की पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। उत्तराखंड के निवासियों को अगर गढ़वाल से कुमाऊं भी जाना है तो उन्हें यूपी से जुड़ी उत्तराखंड की सीमाओं पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता उनको नहीं होगी जो गढ़वाल से कुमाऊं जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर या RAT नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। जिला प्रशासन द्वारा जिला बॉर्डर चेक पोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन जो है सुनिश्चित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको गाइडलाइंस बताई हैं, ये सारी गाइडलाइंस वो हैं जो कि अगर आप उत्तराखंड में मैदानी से पर्वतीय क्षेत्र में या एक क्षेत्र से आप दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप पर ये गाइडलाइंस लागू होती हैं।